नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे चाइल्ड पेडागोजी का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनुभवों का नियोजन, प्लानिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपने देखा होगा बच्चे को स्वाभाविक रूप से भौतिक वातावरण से अंतः क्रिया करते हुए इन्वेंशन बेस्ड लर्निंग प्रोसेस उसके अंदर होती है, यानी खोज पर आधारित सीखना उसके अंदर होता है। तो उस खोज की प्रक्रिया में उसके अनुभवों का निर्माण कैसे होता है और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कैसे अपने व्यवहार में या ज्ञान में शामिल करता है, उन पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कई बार कि छोटे छोटे बच्चे जो परिवार में हो रही गतिविधियों को देखते हैं, या जानवरों के साथ जब वो कहीं उनको लेकर जाते हैं, या आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक सांस्कृतिक प्रकार की जो एक्टिविटी है उनमें, मेलों में, बाजारों में, शहरों में जब वो विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ अनुभवों का निर्माण करते हैं। एक बार सवाल पूछा गया था चाइल्ड पेडागोजी का कि एक बच्चा दूध बूथ से दूध खरीदता है, तो उसका अनुभव कैसे निर्मित होता है, यानी दूध जो है वो मशीन से निकलता है, जबकि दूध क्या है, गाय से निकलता है, लेकिन वो दूध बूथ से दूध रोज खरीदता था, तो उसका अनुभव कैसे निर्मित होता है। आपने देखा होगा अंकुरित होती हुई चीजें, या आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे बच्चे ये तो जानते हैं कि चने हैं या बाजरा है या गेहूं है या मूंगफली है, वो खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन ये कहाँ निकलता होगा, कैसे निकलता होगा, इसका पेड़ होता है, वृक्ष होता है या पौधा होता है, इन सब में उनके साथ दिक्कतें होती हैं। जब इस एडवांस आईसीटी बेस्ड लर्निंग की प्रोसेस हो, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन पूरी दुनिया में आ गया हो, उस स्थिति में बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है किताबी और इंटरनेट पर बेस्ड हो गई हो, ऐसे में उनके अनुभवों का निर्माण कैसे होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। कि कोई बच्चा, आपने देखा होगा किसी स्कूल में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों को स्कूली ज्ञान के या किताबी ज्ञान से बाहर आसपास की दुनिया से उसको जोड़ने में सक्षम बनाती हो, या कभी भ्रमण पर ले जाती हो, या फिर उन्हें कभी, आपने देखा होगा भूगोल पढ़ता हुआ बच्चा कभी ये जान नहीं पाता है कि शाम में या रात में उसके स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि इवनिंग के टाइम में छत पर ले जा करके उसको फुल मून के बारे में दिखाया जाए, अमावस्या या पूर्णिमा की जो स्थितियां होती हैं चांद की, उसके बारे में चर्चा की जाए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अनुभव कराए जाए, या उनको खुद ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाए कि एक दाना जमीन में डालो और इसका जर्मिनेशन कैसे, उन्होंने रटा है, पढ़ा है, पॉलिनेशन कैसे होता है, कैसे कीड़ों के द्वारा पॉलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, प्लांट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, इन सारी गतिविधियों को कैसे अनुभवों में, अनुभव के द्वारा सिखाया जाए ताकि वो सिर्फ रटने तक सीमित न रहे। तो यहाँ जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अनुभवों का नियोजन, उसमें एक लाइन है आती है, उसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। किसी प्रक्रिया को यथार्थ में होते देखने की प्रक्रिया अनुभवों का नियोजन है। किसी प्रक्रिया को यथार्थ मतलब रियलिस्टिक, यानी रियल में, किसी प्रक्रिया को यथार्थ में होने की, होता देखने की प्रक्रिया ही अनुभवों का नियोजन है। मान लीजिए बीज का अंकुरण या दूध इकट्ठा करने की विभिन्न अवस्थाएं, या फिर किसी डेयरी उत्पाद के बनने व पैक होने की प्रक्रिया को देखना। अब इन्हीं सब चीजों को किताबों में पढ़ाया जाता है, डायग्राम दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, इसको गूगल से, इंटरनेट से, या अपने गार्जियंस या बड़ों की सहायता से, कभी कभार स्थिति ये होती है कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होते नहीं है, गार्जियन ही पूरा प्रोजेक्ट बना देते हैं, जिससे क्या होता है उनके अनुभव निर्मित नहीं होते, उनके परीक्षाओं में अंक तो अच्छे आ जाते हैं लेकिन उनके अंदर ये समझ विकसित नहीं हो पाती है कि ये सब होता कैसे, कोई कैसे अंकुरण कैसे अंकुरित होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे प्रॉपर गाय से निकला हुआ दूध बूथ पर जाता है और इतने लंबे समय तक स्टोर होकर के उसको कई और प्रोडक्ट और कई प्रक्रियाओं में बदला जाता है, या गन्ने से चीनी का उत्पादन हो, कभी हम बच्चों को ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं ताकि उनके अनुभव जो है वो रियल हो जाए। दूसरी बात है कि
किसी ऐसे अभ्यास में भाग लेना जिसमें मस्तिष्क व शरीर दोनों का व्यायाम शामिल हो, मसलन किसी कथानक पर एक नाटक तैयार करना, फिर उसका मंचन करना। एक बात आती है टीचिंग मेथड में, रोल प्ले मेथड। क्या हम मैथमेटिक्स में, क्या हम साइंस में, एसएसटी में, या भाषा के किसी कंटेंट में या सिलेबस में रोल प्ले गतिविधि करा सकते हैं? जैसे लाभ हानि पढ़ा रहे हैं तो, या विनिमय पढ़ा रहे हैं, एक्सचेंज पढ़ा रहे हैं, तो हम या हम आंकड़े या उसके बारे में अकाउंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम कोई ऐसा रोल प्ले मॉडल दे सकते हैं बच्चों को? कोई क्रेता बन जाए, कोई विक्रेता बन जाए, कोई चीज कितने में खरीदता है, ऐसी गतिविधि कराएं क्लास में ताकि उनके अनुभवों का निर्माण हो और वो चीजों को सिर्फ रटने और याद करने तक सीमित न रखें, बल्कि उसको अपने व्यवहार में हमेशा के लिए याद रखें। क्यों? क्योंकि किताबी ज्ञान और अनुभव द्वारा अप्लाइड नॉलेज दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए जो बच्चा कक्षा एक से एमएससी तक माइटोकॉन्ड्रिया को याद करता है, पढ़ता है, वो जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तब भी उससे अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछो तो वो यही बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। मतलब इतनी सारी अध्ययन के बावजूद वही ज्ञान जो उसने शुरू में जाना था, रटा था, वही आखिरी तक जब इतना उसमें महारत हासिल हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात आती है कि अनुभवों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। इसलिए कोई एक ऐसी गतिविधि जिस पर कंटेंट या टॉपिक पढ़ाना है, उसमें रोल प्ले एक्टिविटी हो, उसमें प्रोजेक्ट हो, उसमें कुछ और ऐसे गतिविधियों पर आधारित तरीके हों जिससे बच्चे खुद स्वयं इन्वॉल्व होकर के उनको सीखे, ताकि उनके अनुभवों का नियोजन और निर्माण प्रॉपर तरीके से हो सके। आगे बात आती है कि ऐसे अनुभवों के बाद अध्यापक इस पर चर्चा, भाषण, लेखन, चित्रकला या प्रदर्शनी करवा सकते हैं। वे बच्चे के उन प्रश्नों की पहचान कर सकते हैं जिनका जवाब बच्चे चाहते हैं। कई बार हम किताब में या जो कंटेंट की नीड होती है, सिलेबस की नीड होती है, वही सवाल हम उनको अक्षरता आंसर दे देते हैं, लेकिन कई सारे आंसर वो बच्चे जानना चाहते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे हैं। क्या टीचर कोई ऐसा है कि पहचान पाता हो किन चीजों के वो आंसर जानना चाहते हैं और उन पर चर्चा करें, ताकि उनके जो ज्ञान है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, वो और ज्यादा स्थायी हो सके। आगे बात आती है कि शिक्षक पाठ्यपुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ जोड़कर अनुभवों को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। ज्यादातर हमारे शिक्षक क्या करते हैं, जितना सिलेबस में लिखा है, जितना किताब में लिखा है, टॉपिक टू टॉपिक, लाइन टू लाइन, आजकल तो सिस्टम आ गया है कि वन लाइनर या एकदम किताब वाला ही एज इट इज लर्न करा दिया जाता है और बच्चे उसे एज इट इज क्या कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर लेते हैं या याद कर लेते हैं। इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। इसमें हमें क्या करना है, जो कंटेंट पढ़ाएं उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस हो, कोई एग्जाम्पल हो, कोई घटना हो, कोई यात्रा वृतांत हो, कोई एग्जाम्पल हो, तो उसको वहां साथ में जोड़ा जाए। इसमें समय तो जरूर ज्यादा लगेगा लेकिन बच्चे जितना सीखेंगे वो बेहतर सीखेंगे। आगे लिखा है कि इस प्रकार के अनुभव और अनुभव के बाद की गतिविधियां स्कूली शिक्षा के लिए किसी भी स्तर पर मूल्यवान और कारगर हो सकती है। यहां हम बात स्कूली शिक्षा की ना करें, यहां हम विश्वविद्यालय शिक्षा में, वो लिखा गया किसी भी स्तर पर ये गतिविधियां मूल्यवान और लाभकारी हो सकती हैं। समय के साथ साथ इन अनुभवों की प्रकृति, प्रकार व जटिलता को बदलने की जरूरत होगी। कह रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हों, जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे इन एग्जाम्पल्स को कॉम्प्लेक्स किया जाए, सिचुएशन परिस्थितियों को बदला जाए, और ताकि बच्चों को एक सामूहिक तरीके से सीखने की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ा जाए और उनके अंदर स्थायी सीखना हो सके। आगे लिखा है भाषा ऐसे अनुभवों को संयोजित करने का आधार होती है, इसलिए अनुभवों के स्तर व भाषा के विकास में समन्वय भी आवश्यक हो जाता है। आपको पता है बच्चे मातृभाषा में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और चिंतन के लिए भाषा महत्वपूर्ण है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए कि बच्चे की जो सीखने सिखाने अनुभवों के निर्माण की प्रक्रियाएं हैं उनमें भाषा को भी महत्व दिया जाए, क्योंकि भाषा नियोजन
भाषा के द्वारा इन्हीं अनुभवों का नियोजन संभव है, क्योंकि हर बच्चा अपने तरीके से सीखता और सोचता है। इसलिए अगर उसकी भाषा, उसका तरीका और उसके अनुसार बताया जाएगा तो प्रत्येक बच्चा आसानी से सीख पाएगा। यही भाषाई विविधता, यही क्लासरूम विविधता, यही एक टीचर की टीचिंग मेथड में विविधता अगर विकसित हुई तो प्रत्येक बच्चा चीजें आसानी से सीख पाएगा। केवल किताबी ज्ञान तक सीमित करने से उसके अनुभव नहीं बनेंगे, वरना वो अंक तो ढेर सारे प्राप्त कर लेंगे। कभी कभार आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में स्कूली स्तर के बच्चे पूरे में पूरे नंबर लाते हैं, लेकिन उसी बच्चे से जब व्यवहारिक रूप से पूछो, एकड़ और हेक्टेयर के बारे में पूछो, वर्ग स्क्वायर फिट के बारे में पूछो या हथेली के क्षेत्रफल के बारे में पूछो, तो वो बताने में असमर्थता व्यक्त करता है, या अन्य अन्य भाषाओं में उन्हीं चीजों को पूछो तो उसको दिक्कतें आती है। तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा होती है कि बच्चों के अनुभव, जैसे बच्चे को पॉपकॉर्न तो पता होता है लेकिन भुट्टा नहीं पता होता, ये क्या है? अनुभवों का सही नियोजन नहीं है। या गन्ने के बारे में पता है, चीनी कैसे बनती है इसके बारे में नहीं पता है। तो ये जो स्थितियां हैं अनुभवों के नियोजन की कमी के कारण है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब टीचिंग करे तो इन चीजों को ध्यान रख करके बच्चों के अनुभवों का निर्माण करे, ताकि उसका नियोजन वो सही तरीके से कर पाए और चीजों को सीख पाए और उनका सीखना स्थायी और व्यवहार में निश्चित परिवर्तन हो, ताकि अधिगम की प्रक्रिया अर्थपूर्ण हो सके। बच्चों, इसमें हमने अनुभवों के नियोजन के बारे में डिस्कस किया। ये चाइल्ड पेडागोजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम नेशनल कैरिकुलम की एक टेबल है चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पर, उसी आधार पर डिस्कस कर रहे थे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करो। बच्चों, अपने अनुभव जरूर बताया करो हमें अपने कमेंट करके। थैंक यू।